विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल क्लास सिक्स पार्ट तीन संधि। संधि कितने प्रकार के हैं उदाहरण सहित बताइए। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उदाहरण, जगत प्लस ईश इज इक्वल टू जगदीश। दूसरे में उदाहरण देखते हैं, मन रे प्लस भाव मनोभाव, नी प्लस धन निर्धन। सेकंड क्वेश्चन, स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अगला है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के दो दो उदाहरण दीजिए। व्यंजन संधि के अन्य उदाहरण हैं, दिग् प्लस अंबर दिगंबर। विसर्ग संधि के उदाहरण, यश प्लस गान यशोगान, मन प्लस हर मनोहर। संधि विच्छेद से आप क्या समझते हैं। आंसर है, शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे हिमालय का बनता है हिम प्लस आल्य हिमालय। संधि क्या है, सही उत्तर के सामने सही का निशान टिक लगाइए। वर्णों का मेल है, शब्दों का मेल है, पदों का मेल है, स्वरों का मेल है, ये पदों का मेल। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर छांटिए। स्वर संधि का उदाहरण है रामावतार। व्यंजन संधि का उदाहरण है उन्नति। विसर्ग संधि का उदाहरण है निश्चल। आप इसे अच्छे से याद करें, पढ़ें। धन्यवाद।